सबसे बेस्ट केक रसमलाई केक, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आज ट्राई कीजिए सिंपल ट्रिक्स के साथ। हेलो, मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। पड़ गई ना सोच में कैसे बनाया होगा हमने ये केक। आज हम बनाएंगे रसमलाई केक, क्योंकि क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो तो केक के बिना तो अधूरा ही है। चलते हैं हम किचन की तरफ और देखते हैं हमारी आज की रेसिपी, लेकिन उससे पहले मज्जूस किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को ना भूलिएगा। यहाँ पर मैंने केक बोर्ड ले लिया है और वेनिला स्पॉन्ज केक लिया है। हमने जो मिल्क केक बनाया था ये वही वाला स्पॉन्ज है। इस रेसिपी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अभी हम इसके लेयर्स करेंगे, हमें 3 लेयर्स करना है, सो हम इसे 2 कट कर लेंगे और 3 लेयर्स इसके बना लेंगे। नाइफ को आगे पीछे करते हुए हमें इसके 3 लेयर्स कट कर लेने हैं इस तरह से। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर। इसी तरह से मैं सेकेंड लेयर भी कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम ले ली है। व्हिप क्रीम कैसे व्हिप करना है इसकी रेसिपी की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। इस तरह से बोर्ड पर आप थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगाकर इसके ऊपर स्पॉन्ज रख दीजिए और फिर इस स्पॉन्ज को हमें गीला करना है, क्योंकि रसमलाई केक है तो रसमलाई जो रेडीमेड मिलती है उसमें का मिल्क होता है, उसी मिल्क से हम ये स्पॉन्ज को थोड़ा सा भिगो लेंगे। सब जगह पर डालिएगा ताकि ये स्पॉन्ज बहुत अच्छी तरह से भीग जाए। फिर हमने ये जो व्हिप क्रीम ली है उसको हमें इसके ऊपर पूरा लेयर हमें बिछा देना है। अच्छे से लेयर बिछाइएगा। यहाँ पर है ये पैलेट नाइफ, इसी पैलेट नाइफ को यूज़ करके हम इसे क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे सब जगह पर। अभी यहाँ पर मैंने ले ली है ये रसमलाई, इसे हम थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेंगे ताकि इसका पानी जो है वो पूरा निकल जाए, मिल्क इसमें रहना नहीं चाहिए। और इसे हम ऊपर डाल देंगे सब जगह पर। आप थोड़े थोड़े करके रसमलाई डाल दीजिएगा और हमारा केक का जो सेकेंड लेयर है आपको उसे इसके ऊपर रख देना है। इस तरह से हमने रख दिया है। अगेन ये इस प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, मिल्क, व्हिप क्रीम, रसमलाई एंड लास्ट स्पॉन्ज। इसे हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे और ये रसमलाई का मिल्क जो है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अगेन हम व्हिप क्रीम से इस पूरे केक को अभी कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने कर लिया है, नीचे के साइड में मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम में येलो कलर मिक्स करके इसे कोट करना है। पूरी तरह से अच्छे से कोट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने पैलेट नाइफ़ यूज़ करके ऊपर का लेयर जो है उसे प्लेन कर लिया है। पैलेट नाइफ़ को इस तरह से घुमाकर आपको इसको प्लेन कर लेना है। अब ये हो चुका है। यहाँ पर पैटर्न देने के लिए मैंने एक ब्रश यूज़ कर लिया है। ब्रश को हल्के हल्के हाथों से हमें चारों तरफ घुमा लेना है। ये एक बहुत सी सुंदर पैटर्न यहाँ पर बन चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक नोज़ल ले लिया है, इस नोज़ल से हम अभी ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। इसे बीच में से रखिए, हल्का सा प्रेस कीजिए और छोड़ देना है, प्रेशर रिलीज़ करना है। ऐसे आप ये रोज़ेट बना सकते हो। आप चाहो वैसे आपके मन के हिसाब से आप कुछ भी डिज़ाइन इस पर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर रोज़ेट किए हैं, आप जैसे चाहे वैसे इस पर डिज़ाइन कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है रसमलाई। रसमलाई के बॉल्स मैंने यहाँ पर ऊपर डेकोरेशन के लिए रख दिए हैं। अब इसके ऊपर मैंने रसमलाई के साथ साथ कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जैसे कि पिस्ता। आप यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, चेरी डाल सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। और हो गया है हमारा रसमलाई केक रेडी। एंजॉय।